व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर, रेड कलर, फिर दोबारा ब्लैक आ गया। ये सारी बाइकें बाकी सारी लगी है यहाँ पे। ये तीसरा गिराव के सामने लगा दिया, अब तीसरे पे देखते हैं कहाँ तक जाती है। ए 1 2 3 ए देखो, ये 45 की स्पीड तक जा रही है तीसरे गियर में। रेस मैंने फुल दी है, देखो रेस कम मत करूंगा, देखो नीचे गिर जाएगी, फिर दूंगा ज्यादा हो जाएगी। ये चेक करो, ये 45 की स्पीड में यानी कि यार ये जा रही है। और ये चेक करो स्कूटी यार, ये स्कूटी बड़ी लेवल की है, लेडीज वगैरह अक्सर चला सकती है, फैमिली वगैरह जैसे मर्जी, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जिस हिसाब से साइज अवेलेबल है सारे। अब सारों की रेट वगैरह प्राइस वगैरह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूंगा, सारी चला के भी दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, इट्स मी वहाब जारी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आपको ओल्ड व्लॉग पसंद आएगा। मैं काफी दिन से कह रहा था आपको इलेक्ट्रिक साइकिलें वगैरह, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह आपको दिखाऊंगा, तो मुजम्मिल आई मुझे लेके आए पैदल, कराई पैदल जाना आपने, और पैदल जाके हमने एक ऐसी जगह पे जाना। बात ऐसी है, आप सारे जानते हो साइकिल का टायर ही फाड़ा हुआ है, साइकिल का टायर ही फटा हुआ है, कहता है एक शोरूम पे भाई पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो हमने कहा यार अल्लाह के बंदे इलेक्ट्रिक साइकिल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक साइकिल लेने के लिए जगह पे आए। यहाँ पे तो देखा आगे मैंने मॉल ही कुछ और है, अल्लाह के बंदे यहाँ सारी इलेक्ट्रिकल बाइकें ही बाकी स्कूटियां वगैरह लेना देना। यार मैं कहता हूँ परेशान हो गया मैं, यार ये चेक करो यार, 1 2 3 4 5 कलर है, पांचों पांचों इलेक्ट्रिक साइकिल है। 1 लीटर में एक दफा चार्ज करने पे 200 किलोमीटर जो चलेगी, 200 किलोमीटर एक दफा में चलेगी यार, और क्या चाहिए आपको। ये चेक करो जी, हेडलाइट्स वगैरह चेक करो, उसकी हेडलाइट्स वगैरह, शाखे वगैरह, ये इसकी रेस वगैरह, हर चीज यानी कि वगैरह हर चीज वगैरह अवेलेबल है। अब आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे, ये क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है, आपको भी बताते हैं। यार अल्लाह के बंदे हम आए थे यार शोरूम पे यार गाड़ी वगैरह लेने के लिए, और ये यहाँ बैठा हो भाई, अल्लाह के बंदे बैठा हो क्या कर रहा है तू, कहीं काम शाम कर ले, कोई कोई वीडियो शीडियो बनानी है, कोई आवाम को एडवर्टाइज दे दे यार, अच्छी बाइक है, 1 लीटर में 200 किलोमीटर इसकी रनिंग है, एक दफा चार्ज करने पे, एक चार्ज पे जो भी है सीन तो वही है ना भाई। यार असल में बैठ के ये जायजा ले रहा था यहाँ पे ना, कि लेके कौन सी वाली जानी है, लेके कौन सी जानी भाई, वो तो मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा। ये सारी इलेक्ट्रिकल है भाई, मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रिकल है, और ये भी चेक करो सारी इलेक्ट्रिकल जितनी भी खड़ी है ना, ये भी अभी एक एक करके ना सारे की इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा। ये भी इलेक्ट्रिकल है, 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 चेक करो ये सारे डब्बे छब्बे लगे हुए, ये सारी इलेक्ट्रिकल। अब सबके बारे में आज आपको रेट वगैरह बताऊंगा, प्राइस वगैरह बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आपको बताऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का दबाना है, ताकि न्यू वीडियो आप तक आती रहे। ऐसे आपको रेट का नहीं पता लगे जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, और आपको डिस्काउंट भी उसी बंदे को मिलेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, और जो कमेंट करके बताएगा कि यार बाप भाई आपका बाकी भी लोग बहुत अच्छे वगैरह होते हैं। अभी चेक करो सारी अभी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, जरा साफ वगैरह करे लड़का, उसके बाद तीसरे पे चलाते हैं, चौथे घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 कलर है, एक ब्लू कलर है, ब्लैक कलर, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, 5 कलर है इसमें, 4 5। तो बाकी भी दिखाते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, स्टार्ट कैसे होती है, चलती कैसे है। सुन ले भाई, आज जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जरूर बताएगा ना, उसको 25% डिस्काउंट होगा। ओके करो ये, ओके करो। पानी का यार मुजम्मिल तो भाई अपनी गाड़ी देखने में लगा हुआ, कहता है चेक करो जी इलेक्ट्रिक का ये सिस्टम है सारा, इसके अंदर यानी कि मोटर वगैरह लगी है, इसके अंदर मुझे लगता है बैटरी वगैरह होगी। ये इलेक्ट्रिकल बाइक है सारी, ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है, ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है, ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है, तीनों इलेक्ट्रिक बाइक है, चेक करो जी। और वो इंजन वाली देखो, जैसे ये इंजन वाली होती है, इंजन वाला चीकर ही नहीं है इसका भाई, ये प्लास्टिक का है, मुझे लगता है इसके अंदर बैटरी वगैरह रखी है, वैसे ही डेकोरेशन लेवल इन्होंने बनाया हुआ, अंदर कोई सिस्टम नहीं है, मुझे बैटरी लग रही है अंदर, ये चार्जिंग, हाँ चार्जिंग सिस्टम है, बल्कि वो नजर आ रहा है, वो देखिए मैंने देख लिया पॉइंट आउट, ये चार्जिंग सिस्टम है, ये देखो जी यहाँ पे लग के चार्जिंग होगा, और उसके बाद मुझे लगता है कम से कम ज्यादा नहीं 200 किलोमीटर तो पक्की करेगी 100%। अभी पता करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। और बड़ी सस्ती बाइक है यार, अल्लाह के बंदे इतनी महंगी मोटरसाइकिल जो लेते हो आप, पेट्रोल डलवा डलवा के परेशान हो पड़े, चलान चलान करवा करवा के पागल हुए पड़े हो, ना भाई ना टोनिंग, ना मोबाइल, ना चलान, ना चलान, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर भाई। मैं वही तो ना, मेंटेनेंस है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, वो तो मैं बता रहा हूँ। और ये चेक करो स्कूटी यार, ये स्कूटी बड़ी लेवल की है, लेडीज वगैरह अक्सर चला सकती है, फैमिली वगैरह जैसे मर्जी, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जिस हिसाब से साइज अवेलेबल है सारे। अब सारे की रेट वगैरह प्राइस वगैरह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूंगा, सारी चला के भी दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे यार वाकई वाह भाई मजा आ रहा है, आज आपके व्लॉग देखने मजा आ रहा है, और वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। ये चेक करो, मेरा दिल खुश हो गया देख देख के ना, गाड़ियां ही गाड़ियां सारी साइडों भाई, मालूम बताऊंगा रेट वगैरह प्राइस वगैरह इसी में बताऊंगा आपको। सब्सक्राइब भाई पे लाजमी करना, बरल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी जरा साफ वगैरह कर लो, उसके बाद इस इंतजाम सारा स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस यार बहुत से भाई कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह बता दो बता दो बता दो, सबर नहीं हो रहा आपसे यार, तो सबर भाई खत्म हुआ, अब मैं आपको यार बताने लगा हूँ। सबसे पहले यार ये इसकी रेस है, ये रेस वगैरह जो बनी है ये इसकी रेस है, और उसके अलावा ये इसकी ब्रेक है,
इसकी ये ब्रेक है, ये देख रहे हो ब्रेक लग रही है इसकी ब्रेक है, और इस साइड पे ये पिछली ब्रेक है, और इस साइड वैसे ग्रिप लगाई है। और स्टार्ट करें तरीका काफी भाई कह रहे हैं स्टार्ट होता कैसे होती है, ये देखो पहले इसको यहाँ से स्टार्ट हो गई, देखो आप अनलॉक कर दिए, एक दो, ये दो दफा स्टार्ट करिए, स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो रेस वगैरह है वो देखो, ये देखो देख रहे हो ये रेस यहाँ से देनी पड़ेगी, ये रेस यहाँ से दोगे ये चेक करो ये चलती रहेगी, स्टार्ट होगी आपके सामने। और उसके बाद आपको एक चीज और मैं दिखाता हूँ इसकी रेस वगैरह, ये चीज चेक करो, ये स्पीड चेक करो जी किधर तक जा रही है, 33-35 तक स्पीड जाइए इसकी। और ये इसकी गियर भी है ना, ये देखो ये पहला दूसरा तीसरे गियर में है, अब ये देखते हैं कहाँ तक जाएगी, तीन गियर लगा दिए, 45 तक गई है तीसरे गियर में, 45 की स्पीड में, 45 की स्पीड आपको पता बहुत ज्यादा होती है, 45 की स्पीड में जा रही है तकरीबन। और ये गियर है इसके देखो, ये एक दो और ये तीन, तीन गियर है, यानी कि पहले गियर पे जो चलेगी स्पीड इसकी वो चलेगी तकरीबन, अभी देख लेते हैं 35 तक चल रही है, देखो 35 स्पीड में चल रही है, देख लो चल रही है 35 की स्पीड में। अब दूसरा इसका गियर लगाते हैं, अब दूसरे गियर की एक्सीलेटर चेक कर दे के चेक करते हैं किधर तक जा रही है, 40 तक जा रही जी पहली, दूसरे गियर के अंदर देखो एक्सीलेटर दिया हुआ, रिम घूम रहा है देखो एक्सीलेटर को। अब हम उसके बाद तीसरा गियर लगाते हैं, ये तीसरा गियर आपके सामने लगा दिया, अब तीसरे पे देखते हैं कहाँ तक जाती है, ए 1 2 3 ए देखो ये 45 की स्पीड तक जा रही है तीसरे गियर में, रेस मैंने फुल दी हुई है, देखो रेस कम मत करूंगा, देखो नीचे गिर जाएगी फिर दूंगा ज्यादा हो जाएगी, ये चेक करो ये 45 की स्पीड में यानी कि यार ये जा रही है। और उसके अलावा ये इसकी चाबी है, चाबी भी लगा के आपको दिखाता हूँ चाबी का क्या बेनिफिट है इसकी का, चाबी ये नहीं मुझे लगता दूसरी शब्द, ए चेक करो जी। उसके बाद सबसे पहले इसको बंद करना रिमोट से, ऑफ कर लिया, उसके बाद ये चेक करो जी ऑन चाबी से करेंगे, ये हेडलाइट भी इसकी जल जाएगी, ये देखो हेडलाइट आपके सामने जल रही है इसकी, हेडलाइट जल रही है। कोई हारन शारन भी है इसके, हारन वगैरह भी है इसके, किधर हारन, ये इसका हारन लगा हुए देखो जी, ये हारन वगैरह लगा हुआ, ये स्विच वगैरह इसका चाबी, ये देखो तीन स्विच है, एक स्टेप ये है दूसरा लगाएंगे तो फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हेडलाइट वगैरह इसकी, स्टार्ट हो जाएगी चाबी वगैरह लगी है। और उसके बाद ये सबसे बढ़िया ना इसकी शाख चेक करो यार, ये शाख भी बड़े लेटेस्ट किस्म के, ये शाख लगे हुए ये देख रहे हो, ये सारी शाख वगैरह लगे हुए इसके, चला के दिखा मुझे मिल जरा शाख, ये देखो कैसे मोटरसाइकिल की तरह खड्डे जम में जैसे मर्जी आपको शाख वगैरह तंग नहीं करेंगे जैसे मर्जी, मरगाड वगैरह चेक करो। उसके अलावा रिम चेक करो यार, रिम अलमूनियम के नहीं है, लोहे के रिम है पर मजबूत रिम है, ये रिम बड़े मजबूत लगे हुए, लोहे के रिम नहीं है अलमूनियम के रिम। और ये चेक करो ये ब्रेक आगे जैसे डिस्क ब्रेक होती है उस तरह की ब्रेक है, अभी ये कवर वगैरह चढ़ाया हुआ, जब कोई लेगा फिर कवर वगैरह इसको उतार देंगे, न्यू 0 मीटर है ये, ओल्ड नहीं है। उसके बाद ये सारा इसका सिस्टम है, चेक करो ये आगे से फ्रंट चेक करो, लुक चेक करो इसकी सारी आपके सामने, ये इस साइड पे भी चेक करो और ये भी चेक करो, ये जो बनी है आपके सामने पूरी, ये पाँव वगैरह रखने के लिए, ये देखो इसके ऊपर यहाँ से बैठना आपने, उसके बाद आइए ऐसे पाँव वगैरह दोनों बंदा ऊपर रख लेता है ईजिली, जैसे मर्जी बंदा चला सकता है। और उसके अलावा ये पैंडल वगैरह है, अगर आपकी बैटरी वगैरह चार्ज नहीं है तो ये देखो ये पैंडल सिस्टम है, पैंडल लगाने हैं अभी लगाए नहीं है, अभी पैंडल लगेंगे उसके बाद पैंडल सिस्टम जी भी आप इसको चला सकते हो। और ये गद्दी वगैरह चेक करो, बड़ी सॉफ्ट गद्दी है इसकी, बड़ी नरम गद्दी है। और ये चीज़ चेक करो, पीछे एक बंदा और बैठ सकता है, बच्चा स्कूल वगैरह जाए, अगर बैग वगैरह रखना हो तो बैग वगैरह भी रख लेता बंदा, बैग वगैरह के लिए बड़ी। और उसके अलावा ये पीछे चेक करो, पीछे भी शाख बड़ी VIP अवेलेबल है, पीछे वाली शाख भी डेंजरस है। और ये चेक करो ये व्हील लॉक भी होता है, ये व्हील के अंदर ये चूस लगा दो अगले बंदे को क्या पता लॉक वगैरह हो जाएगा, व्हील चलेगा ही नहीं, व्हील जाम हो जाएगा, अभी तो अनलॉक है फिलहाल। और उसकी चेक करो जी चैन शैन वगैरह, वो पली साइड पे उसकी लगी है, वो उसके लिए लगी है, अगर बैटरी वगैरह हो ना आपके पास चार्ज नहीं है तो फिर पैंडल मार के भी जा सकते हो। ये पायदान वगैरह पीछे बच्चा एक बैठ जाए उसके लिए भी बड़े इजीली है ये, और एक पाँव इधर रख सकते हैं एक पाँव रख सकते हैं। और ये मड़ीगार चेक करो, प्लास्टिक का मड़ीगार है, लोहे का भी है, काफ़ी बॉडी इसकी डेकोरेशन के हिसाब से बनाई है। और ये चेक करो जी ये सारी जो सर्किट वगैरह इसका जो चला रही है ना, जो बैटरी वगैरह इसको इसमें बैटरी इसके अंदर रखी हुई हमने, और जो ये जो चला रही है मोटर वगैरह जो लगी है इसके अंदर बैटरी वाली, वही व्हील के अंदर लगी है, पिछले व्हील के अंदर सारी सेटिंग है। और जो गरारी साइकिल वाली लगी है मैंने आपको बताया ना, वो पैंडल मार के आप चला सकते हो, बड़ी अच्छी। और ये एक दफ़ा चार्ज करने पे कम से कम 100 किलोमीटर के करीब करीब करेगी, 100 किलोमीटर के करीब करेगी, पहले मुझे पता है। और ये बैक लाइट चेक करो, बैक लाइट भी बड़ी लेवल किस्म की लगी है इसके पीछे ना। और ये देखो ना इसकी कापी है, ना इसका लेटर है, ना कोई चलान चलाना है, बैटरी वाला सिस्टम है, और बहुत ही ऐसा सिस्टम है, पेट्रोल से आपकी जान छूट जाएगी, महंगा पेट्रोल इतना डलवा रहे आप उससे जान छूट जाएगी। एक दफ़ा ये चार्ज करो, एक दफ़ा 100 किलोमीटर जैसे मर्जी चलाओ, तीसरे पे चौथे पे गुम होगी। और बाइक भी बड़ी अच्छी है और बड़ी कंफर्टेबल है, एक उधर बैठ सकता है और एक पीछे बैठ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ मुजम्मिल हम ले लेते, दोनों ही जाते हैं हम,
पेट्रोल तो जान छुट जाएगी। हाँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, चेक करो ये सारी सारी चेक करो, ये सारी गाड़ी चेक करो, फुल वीआईपी है, बैटरी से चलती है, ये देख लो जैसे मर्जी। ये एक व्हाइट कलर है, ये सारे कलर इसके अवेलेबल है, एक व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर, रेड कलर, फिर दोबारा ब्लैक आ गया। ये सारी बाइकें बाकी सारी लगी है यहाँ पे। तो फाइनली गई फर्स्ट राइड आपका भाई लेने लगा, यकीन मानो कि बड़ा मजा आ रहा है यार। मैं कहता हूँ लेवल की चीज है, ब्रेकें वगैरह जरा लूज है, ब्रेकें श्रेके टाइट हो जाएंगी, तीसरे हो जाएगा, चौथे भी गुम हो जाएगा। मैं कहता हूँ बड़ी लेवल की, मजा आ गया। वीआईपी है यार, मोटरसाइकिल से पहले जान छूट जाएगी ये लेने के बाद आपको, मजा आ गया भाई। ऐसी चीज है यकीन मानोगे, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है भाई, ये चेक करो, वीआईपी हो गया। तो फाइनली गाइस जैसा कि आपको पता, मैंने चला चला के भी आपको सारी दिखा दी है, इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह बता दी आपको, और ये गाड़ियां वगैरह अवेलेबल है, जिस भाई ने भी लेनी हो कमेंट बॉक्स में रब्ता कर ले, या मैंने नीचे नंबर दिया हुआ अपना डिस्क्रिप्शन में, उससे मुझसे रब्ता कर लें। आपको रेट वगैरह प्राइस वगैरह कन्फर्म वगैरह मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको रेट वगैरह प्राइस वगैरह, क्योंकि काफी भाई ना बताऊँ क्या होता है, वीडियो आज मैं लगा दी मैंने, आप देखोगे वीडियो दो महीने बाद, पांच महीने बाद, आपको वापस आपने तो वीडियो में ये कहा था, ये रेट कहा था, इसलिए मैं आपको रेट वगैरह प्राइस वगैरह नहीं बता रहा। इस टाइम पे आपने लेनी होगी, आप मुझे कॉल वगैरह करना, आपको मौके का रेट बताऊंगा, जो मौके का रेट इस टाइम पे चल रहा होगा उसी हिसाब से मैं आपको रेट वगैरह बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग आपको पसंद आएगा, चल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि न्यू वीडियो आप तक आती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा ना वो बड़ी हैवी किस्म की, बड़ी जो खड़ी है ना, ये जो खड़ी है बड़ी स्कूटियां वगैरह, इनके बारे में बताऊंगा आपको, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है भाई, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि न्यू वीडियो आप तक मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।